हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे यामा YZF R15 और मैंने इसकी जो वर्जन लिया है V3 ABS और आप लोग जानेंगे इसकी सही ऑनरोड प्राइस और इसका जो फाइनेंस डिटेल है इसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जानेंगे इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत के बारे में। इसकी जो एक शोरूम प्राइस होगी 1,41,680 रुपीज़ इन आसाम। मैंने इसकी प्राइस आसाम से लिया है और इस गाड़ी की जो RTO अमाउंट होगी 18,189 रुपीज़ और इसकी जो इंश्योरेंस होगी 8,763 रुपीज़ और इसका अदर चार्जेस लगा के 500 रुपीज़ होगी और कुल मिला के इस गाड़ी की जो ऑन रोड प्राइस होगी 1,69,132 रुपीज़। अगर आपने इस गाड़ी को फाइनेंस में निकालना है तो आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा 50,740 रुपीज़ और लोन अमाउंट कराना पड़ेगा इस गाड़ी की 1,18,392 रुपीज़। और अगर आपने जिस कंपनी से गाड़ी को फाइनेंस करा रहा है उस कंपनी की रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% होगा। तो मैंने टाइम लिया इस गाड़ी की 30 मंथ्स मीन्स 2.5 ईयर्स के लिए, तो आपका जो हर महीना का EMI आएगा 4,615 रुपीज़ पर मंथ आएगा। अगर आपने इस गाड़ी को आसाम से लेना है तो यही प्राइस आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने कोई और लोकेशन से इस गाड़ी को ख़रीदना है और उसका सही ऑन रूट प्राइस जानना है तो आपका लोकेशन का नाम नीचे कमेंट करना, आपका क्वेश्चन की आंसर देने का पूरा कोशिश करूँगा। और इस गाड़ी की डिटेल्स के बारे में बात करूँगा। इसका जो एक शोरूम प्राइस स्टार्ट होता है 1.45 लैक्स तक और इसका जो फ्यूल इकोनॉमिक होगी 35 किलोमीटर पर लीटर मिलेगा और मैक्सिमम स्पीड मिलेगा 136 किलोमीटर पर आवर और कर्ब वेट मिलेगा 142 kg और सीट हाइट मिलेगा 815 मीटर्स और इसका जो कलर ऑप्शन आपको मिलेगा आप नीचे देख सकता है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।